जैसा कि आपको पता है, पीछे जो स्नोफॉल हुआ है, पहले दिन भी हुआ तो हमने क्लियर कर दिया, दूसरे दिन फिर नेक्स्ट डे शाम को भी हुआ, आफ्टरनून भी हुआ, तो हमने वो भी नेक्स्ट डे क्लियर की है पोशाना तक। अब ऐसा कि स्लिपरी बहुत है, फ्रॉस्ट बहुत होता है, कोहरा बहुत लगता है, तो आगे फिर एडवाइजरी आ रही है 4, 5, 6, 7 4 दिन का मौसम फिर ख़राब हो रहा है। तो देखते हैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुक्म देती है, जैसे होगा वैसे करेंगे हम। और कश्मीर साइड भी सुना है कि वो भी कर रहे हैं कि थोड़ा किया उन्होंने भी क्लियर, आगे वो भी नहीं आया, क्योंकि उधर साइड उस साइड भी बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट है, स्लिपरी बहुत है, तो डर रहता है कहीं गाड़ी कोई स्लिप ना हो। आगे ट्रैफिक वाले देखेंगे क्या इंतजाम करते हैं, तो क्या डिसीजन होता है। तो सर तो यही सभी से रिक्वेस्ट है कि वेदर एडवाइजरी देख के ही जाएं, ऐसे मूव ना करें, क्योंकि एक जान का ख़तरा हो सकता है किसी के भी लिए भी, स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी यही उनको रिक्वेस्ट है कि लिहाजा ना ही जाएं तो बेटर होगा, अगर जाना भी हो तो एडवाइजरी देख के तो सर जाएं। अपने कब खुलने का कुछ नहीं कह सकते, अब मौसम पे डिपेंड होता है, जैसे आपको पता है सर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो 12 बजे कोई गाड़ी जाएगी भी तो 3 बजे फिर बंद करनी पड़ेगी, वो क्रॉस भी नहीं कर पाएगी ऊपर तक, उस साइड भी नहीं क्रॉस कर पाएगी। तो लिहाजा देखते हैं, मुझे नहीं लगता अब ये मुगल रोड चले, अब लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को शायद डिसीजन लेना पड़ेगा कि बंद करनी पड़ेगी।